नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के नौबस्ता में युवक की पत्थर से सिर कूच कर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक का रक्त रंजित शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। बैंक के दरवाजे पर युवक का शव पड़ा देख लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मृतक की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। घटना नौबस्ता थाना क्षेत्र के पसंद बिहार की है, जहां एक बैंक के बाहर युवक का रक्त रंजित शव बरामद हुआ। युवक की हत्या सिर पर पत्थर से वार करने से हुई है। शव के बगल में ही खून से सना पत्थर भी बरामद हुआ। हत्या की सूचना पर स्थानीय थाने की पुलिस के साथ ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने युवक की पहचान के प्रयास किए। शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने अज्ञात युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंची डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने कहा कि फॉरेंसिक टीम जांच और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। जांच पड़ताल के बाद युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के शव के पास में एक पत्थर मिला है, जिससे संभावना लग रही है कि ईंट से सिर कूच कूच कर युवक की हत्या कर दी गई है। चौकी के अंतर्गत एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है। यहाँ पर फोरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड आदि से जांच करवाई जा रही है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह हत्या की? इसमें जो डेड बॉडी है उसके पास एक पत्थर मिला है, तो उससे संभावना लग रही है कि उसी से हत्या की गई होगी। दक्षिण लगातार हम लगातार प्रयासरत हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस हो।